सफाई हो रहा है। अच्छा, इसका कसाई का भी कितने दिन लगाएगा कर गया, तो इसको कैसे कर देंगे? ये जो जड़ है इसको निकाल लेंगे। अच्छा, जब इसका पूरा तना मेरे काम का नहीं जब होगा। अच्छा, इसको निकाल करके इसी जगह पे फिर से इसको खुदाई कर। मैं नीतीश कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। अभी मैं प्रेजेंट हूँ घूगल डी केवाल में, और एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि सब्जी उपजा के लाखों रुपया कमाते हैं। मित्रों, आइए उनसे मिलाएंगे आपको कि क्या कौन सा सब्जी है और क्या क्या है। काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, डीएम सर भी ट्वीट किए हैं, काफी सारे मीडिया भी आ रहे हैं इनके पास। आइए, हम भी आज आए हुए हैं, आइए इनसे मिलाते हैं कि क्या राज है अंदर में। ये देख सकते हैं तस्वीरें हमारे साथ, यही जो तस्वीर है जो कि इसी में सब्जी उपजाते हैं। आइए मिलाते हैं हम आप, दिखाते हैं कि आज स्थान है जो कि गोभी भी लगाए हुए हैं, रंग बिरंगे के गोभी भी है इनके पास और सारे सब्जी भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं हम, दिखाइए थोड़ा कैमरा मैन उधर से। वो साथ में तो पूछ ले जी, बस ठीक। यही वो शख्स हैं जो कि इतना सारे व्यवस्था किए हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल, स्वागत है आपका भी। अच्छा, तो कितने मतलब इतने खर्च करके इतने किए हैं? ये टोटली आपका इसमें 75% सरकार का अनुदान है। अच्छा। 25% मेरा इसमें लगे। कैसे ये दिमाग में आया कि इतना बड़ा कर दिया, रंग बिरंगे के हैं सब्जी आपके पास? बात है कि आर्य पूषा भ्रमण में गए थे। अच्छा। प्रशिक्षण परिभ्रमण में, बिल्कुल आत्मा के तहत, तो उस समय दिमाग में आया कि कुछ नया करने का दिमाग में चल रहा था। तो नया करने के चक्कर में हम लोग जब देखने गए थे, वहाँ से नया तकनीक आया और जाने के बाद हमारे जिला कृषि विभाग में उद्यान पदाधिकारी हैं रूपेश कुमार अग्रवाल सर, उनसे मुलाकात हुई, तो उनके माध्यम से हमारा ये नेट हाउस मिला। और जब नेट हाउस मिलने के बाद जब इसमें फल का जब चयन कर रहे थे कि कौन सा फल लगाया जाए, बिल्कुल, तो साथ में दिमाग में आ रहा था कि जनरली जो चीज़ है, बिल्कुल सादा आपका जो ब्रोकली, ये सब बहुत सारे लोग किसान कर रहे हैं पहले से ही, बिल्कुल अगर हम भी इतना लागत लगा करके अगर करें तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो नया कुछ करने का दिमाग में आ रहा था, तो दिमाग में आया कि कुछ इसमें लाल पीला किया जाए। तो इसका सीड का रिसर्च किए, उसके बाद इसका बिचड़ा उपलब्ध करवाए, फिर ग्रो करके इसको ट्रांसप्लांट करवाए, और साथ में आपके से पश्चात इसको दिख रहा है कि अब जिले का पहला पीला और आपका बैगनी गोभी। ट्विटर पर भी काफ़ी सारे पोस्ट देखे, ट्वीट देखे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसानों का जीत है एक। अच्छा। एक तरीके से कि हमारे जो यंग डीएम साहब हैं, जी बिल्कुल, श्री अवनीश कुमार सर, वो भी इस पे थोड़ा सा अपने से देखे हैं कि भाई जब युवा किसान इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको और मोबिलाइज करके और वो किसान को करना चाहिए। आप कितने तक पढ़ाई की है? बीए एग्रीकल्चर। अच्छा, क्या कहेंगे जो किसान ने जिसको कम जमीन है वो क्या करे? जैसे देखिए, उनके लिए जो कम जमीन है तो उसमें भी सब्जी का खेती कर सकते हैं, बिल्कुल। साथ में अगर उनके पास छोटा जमीन है तो छोटे एरिया में कर सकते हैं वो। अच्छा। साथ में कि हमारे पास नर्सरी जो है सीजन वाइज। अच्छा। उनको पर्याप्त होगा बहुत कम रेट में। अच्छा। और उनको पौधा उगाया हुआ मिल जाएगा। अच्छा। प्रो ट्रे के अंदर वो हमसे संपर्क करें, उनको 365 दिन हमारे यहाँ इसे नेट हाउस के अंदर नर्सरी मिलेगा। अच्छा। वो आए अपना आकर के यहाँ से ले जाएं, और साथ में जो हमारे साथ जो तकनीक है हमारे पास, वो तकनीक भी उनको हम साझा करेंगे, और साथ में उनको नर्सरी दे करके उनको भी घर पे रह करके एक व्यवसाय करवाने का। अच्छा, इसका ट्रेनिंग किया है कि? हाँ, इसका प्रशिक्षण किया है। अच्छा, बिना प्रशिक्षण का आप नहीं कुछ कर सकते। कितना परसेंट सरकार के द्वारा आता है लगभग इसमें? आपका 75% लागत वो सरकार पे करती है। अच्छा अच्छा, 25% वो किसान को लगाना पड़ता है। प्रॉफिट कितना कर लेते हैं इसमें? अभी तो 7-8 लाख रुपये के आसपास में ईयरली हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जब इसमें लगे हैं तन मन से तो इसको 1 लाख के आसपास में महीने का ले जाएंगे। पर मंथ मतलब 1 लाख? हाँ, ले जाएंगे। तो कौन कौन सा नाम बताएंगे थोड़ा, कौन सा क्या क्या रखे हुए हैं? हाँ, मेरे यहाँ देखिए, एक साइड से उधर आप देखेंगे। अच्छा। कि लाल पत्ता गोभी है, बिल्कुल दिखाओ थोड़ा। अच्छा अच्छा, इस साइड दिखाओ। अच्छा, लाल पत्ता गोभी है, साथ में आपका बैगनी फूल गोभी है जो जिले का पहला है, और पीला फूल गोभी जिले का पहले प्रोडक्ट उत्पाद यहाँ का है। साथ में आप ब्रोकली देख सकते हैं यहाँ पे, और शिमला मिर्च है, इसमें दो कलर का शिमला मिर्च है, अभी एक लाल है एक आपका हरा है। साथ में इटालियन टमाटर है जो कि वो 15 फीट चढ़ करके फलन करेगा।
कितने में लगाए हुए हैं, कितने लगभग होगा? ये 2000 स्क्वायर मीटर के अंदर है ये पूरा एरिया। अच्छा, ये जो सब्जी है जम्मू के अंदर ही रहता है कि बाहर भी जाते हैं आपके? अभी तो आपका सैंपल के लिए लखनऊ भेजे हैं। अच्छा, लखनऊ तक भी जाते हैं? हाँ, परसों आपका लखनऊ भी गया है इसके लिए करके सैंपल में। अच्छा, और अभी आपका मेरा जम्मू, सिकंदरा, अच्छा, लखीसराय, मुंगेर और साथ में आपका पटना भी गया है और बगल के राज्य हमारा झारखंड सब्जी मंडी वहाँ पे भी गया है। अच्छा, वहाँ पे गया। तो जो आएंगे उनको उनको कैसे लोकेशन देंगे, उनको लोकेशन थोड़ा बताइए। घोगलडी जान रहे होंगे, घोगलडी आए, घोगलडी से आप केवल वहाँ से घोगलडी जैसे गांव निकलेंगे मेरा नेट हाउस दिख जाएगा। अच्छा, वहाँ से भी आ सकते हैं, साथ में मेरा एक भी एक चैनल है। अच्छा, है ना, तो उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं BLRN@ केवल। अच्छा, तो क्या कहेंगे जो किसान कहीं ना कहीं धान गेहूँ में लगे रहते हैं, काफी मेहनत भी करते हैं, तब पर भी प्रॉफिट नहीं होता है, कभी सूखा पड़ गया तो खराब हो गया, उनको क्या कहेंगे आप, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उनको यही कहेंगे कि मौसम और समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा जी। अगर पारंपरिक खेती में रहेंगे बिल्कुल तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इस तरह का भी जो सुखाड़ हम लोग का हुआ था जी, तो उसमें देखिए सुखाड़ में पूरा जमीन दिखाई पड़ती है, लेकिन इस अंदर यहाँ पे जो हम यहाँ पे यह तो संरक्षित खेती है, इसके अंदर भी देखिए पूरा हरा भरा है और बगल में आप जाएंगे तो ओपन क्षेत्र में भी खेती किए हैं। अच्छा, तो वहाँ पे भी हमारा सेम इस कंडीशन का पौधा मिल जाएगा आपको। तो सूक्ष्म सिंचाई के साथ आप खेती करेंगे तो थोड़े से पानी में, थोड़े से खाद में आपको अच्छे तरीके से मिल पाएगा। जब आप स्टार्ट किए थे तो उस समय लगता होगा कहीं ना कहीं तो हमारा पूंजी डूब ना जाए, कभी डीमोटिवेट भी होते होंगे, तो उस समय कैसे हैंडल किए? नहीं नहीं, डीमोटिवेट तो हमको होने का कोई स्थिति भी नहीं था, क्योंकि इसका प्रशिक्षण परिभ्रमण करके आए थे और तो मन में एक बैठा हुआ था कि फ्लॉप होना होता तो बस उत्पाद के समय फ्लॉप होते, लेकिन लगता नहीं कि मिट्टी अगर चेंज हो तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा बिजनेस में। इसका पहले हम जांच करवाए थे, जांच करवाने के पश्चात इसमें गोबर का मात्रा दी। अच्छा, गोबर मात्रा देने के बाद उसमें इसमें फिर बेड का कसाई हुआ, फिर ड्रिप लगा, फिर मल्च लग करके इसमें कटाई करके फिर पौधे को लगाया। अच्छा, कितने दिन से आप सब्जी उगा रहे हैं? अभी नवंबर से पहला उत्पाद किए हैं, ये आपका पहला हार्वेस्ट है। अच्छा, इससे पहले हम 3 साल पहले ओपन फील्ड में कर रहे थे खेती। बिल्कुल, जो कि वो थोड़ा सा सक्सेस भी रहा, थोड़ा सा अनसक्सेस भी रहा, ताकि वहाँ पे थोड़ा समय भी दे नहीं पाए, कहीं प्रशिक्षण के दरमियान थे उस समय, तो उसमें थोड़ा सा नुकसान और लाभ दोनों हुआ, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है कि इसमें हम ये संतुष्ट है इस खेती करके। जम्मू के किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे आइए जुड़िए हमसे, और जुड़ने के बाद हम तक जहाँ तक होगा, हमसे जहाँ तक होगा बिल्कुल सहयोग तन मन धन से आपको करेंगे, आप संपर्क में आइए। अच्छा, अभी तक कितने पत्रकार आ गए हैं आपके पास? जिले के जितने भी रिपोर्टर हैं लगभग आ गए हैं, बाकी अच्छा। बात हमको लगता है 2-4 अभी बचे होंगे जो कि वो भी संज्ञान में उनके पास चला गया है, अब आएंगे तो वो भी उनको। कितने खुशी हो रहे हैं लगभग? देखिए, एक युवा होने के साथ साथ एक अच्छा। उत्साहित होता है कि परिचय हमारा भी हो जिले अच्छा। के अंदर, और हर जाते तो अब अच्छी जॉब भी कर सकते थे, तो क्या मन किया कि नहीं चलो भाई अपने ही खेती में सब्जी का खेती किया जाए और लाखों रुपये कमा सकते हैं उससे? देखिए, बात यह है कि हमारा एक पहले से व्यू था कि रोजगार देने वाले हमसे बने। अच्छा, रोजगार करने वाले से नहीं, तो देना यानी कि हम तो काम करेंगे ही, साथ में दूसरे को भी रोजगार देंगे। दूसरी बात है कि अगर हम अगर रोजगार कहीं कर लेते तो शायद ये जो यहाँ पे है अभी 5 लोगों का काम चल रहा है हमारे द्वारा तो यहाँ पे इसके अंदर, तो वो नहीं हो पाता। बिहार में कभी कभी कई सारे छात्र छात्राएं जो कि नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, और कई ऐसे हैं कि दिल्ली है पंजाब है कमाने जा रहे हैं, क्यों नहीं अपने ही खेती करे, उस पर आप क्या कहेंगे? उनको थोड़ा सा मोबिलाइज करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, तरीके से उनको दिखाना पड़ेगा कि अपने जो काम कर रहे हैं उसी में कुछ आधुनिक के साथ जुड़ करके आपको नया एक पहचान भी मिलेगा और साथ में एक आयाम भी मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हम बाहर क्यों जाएं, बाहर के राज्य क्यों डेवलपमेंट है इसको लेकर के, तो वहाँ के युवा थोड़ा सा इसके बारे में सोच रहा है। अच्छा, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम राजा बी केसरी हुआ। अच्छा। ग्राम केवल, पोस्ट उगलडी, थाना गिदौर, जिला। तो मैं जो है ना इस सब्जी वाला का लाल है, काला है, लाल है, लाल पत्ती गोभी, हाँ लाल पत्ती गोभी है। अच्छा। हरा गोभी है, ये सब सारे प्रोड्यूसर का है आप। अच्छा, ये सब बेचते कैसे हैं, मतलब सबको, मतलब कैसे, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा पड़ गया तो कैसे धुलाई करते हैं इसको? स्प्राइज मारते हैं, स्प्राइज क्या बोले? ये वाला का जो पौधा जो जाली लगा हुआ ना, इसमें स्प्राइज मारने का जरूरत नहीं, जैसे बाहर का जो पौधा रहता है वहाँ पे
कीड़ा वकड़ा यहाँ तो जाल लगा हुआ है, इसमें सब नहीं लगता है। कैमरा मैन से कहेंगे इसका क्या नाम है बताइएगा। ये वाला तो लाल गोभी है ना। अच्छा लाल गोभी है। हाँ, इसको कैसे बनाएगा लोग, कैसे खाएगा इसको, मतलब ये तो कुछ अलग तरीके से लग रहे हैं दिखने में। देखिए ये जो साधारण जो पहला का गोभी था ना। अच्छा। उससे इसमें एक विटामिन है सब, इसमें अलग प्रोटीन है, प्रोटीन एक अलग अलग है जो अलग, ये मान लिया जाए बीमारी का जो प्रयोग होता है ना वो सब बीमारी के लिए खाता है, ज्यादा उसके लिए फायदा भी करता है, फायदा मन करता है सर। अच्छा इसको कहाँ से लाए, इनका बिया कहाँ से लाए इनका? ये बीज तो बाहर से लाए गए हैं, ऑर्डर से मंगाए गए, तो मेरा भाई जो है। अच्छा। वही से उत्पन्न किया गया। अच्छा चलिए आइए कैमरा में। ये देखिए रंग बिरंगे के गोभी हैं और हम आपको दिखाते हैं अलग अलग प्रकार के दिखाते हैं। कुछ नया में कहा जाए तो जम्मू में एक कुछ नया खोले हैं भैया जी, और हम आपको भी लाते हैं और सारे गोभी से। इनका क्या नाम है? ये सब एक ही है, एक ही सब अभी छोटा छोटा है, कितना बड़ा, ये बड़ा बड़ा होगा तो ये जो है ना। अच्छा। ये से 2 kg तक भी बड़ा गोभी हो सकता है सर, 2 से 2.5 भी जा सकता है। 2 से 2.5 भी जा सकता है। तो इसको जैसे कि इसको हम कबाड़ के दे दिए, बेच दिए, फिर इस पर लगाएंगे, इसी पर लगाएंगे इसको? ना ना ना, इसको जो है ना यहाँ का जो एक बार मिट्टी जो है ना जड़ इसको झाड़ देते हैं, फिर इसको पौधा लगा देते हैं। अच्छा जड़ झाड़ के। पानी कैसे देते हैं इस पे? ये तो ऊंचा है, एक फोहरा जैसे मारते हैं। अच्छा अच्छा, जाल लगाया हुआ है। थोड़ा दिखाइए कैमरा मैन ऊपर से, वही वाला में जो तार जो छिड़का हुआ ना। अच्छा। उसी का से पूरा झांसी का तरह दिन भर में कितने बार इसमें पानी छिड़काव करते हैं? बस जैसा मौसम वैसा ही ढंग से हम लोग परिवर्तन बदलता है। जैसे मान लिया अभी आ गया हम बारिश का मौसम, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा। जो अभी गर्मी आ गया तो थोड़ा देते हैं, कहीं ठंडा का गया तो उसमें जो। भोजन कैसे लेते हैं? जैसे तो सूरज का प्रकाश तो इस पर आता नहीं हो, जो जाली लगा हुआ ना उसमें जो एक जाली का रूप से उसी का रोशनी आता है। अच्छा। उसी का रोशनी से होता है। चलिए क्या नाम हुआ अंकल जी? बड़ा मोबाइल है, खोलिए इसको, यूट्यूब देखते हैं इसमें व्यवस्था की है तो क्या कहना चाहिए? यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब खोलिए। अच्छा तो बहुत धन्यवाद, खुश है ना पूरा? हां बहुत। अच्छा क्या किस किस प्रकार के हैं आपके पास सब्जी? हमारे पास भी लाल गोभी है, पीला गोभी है, नेट नहीं चल रहा, हरा गोभी है और बंधा गोभी, लाल बंधा गोभी जो है लाल में है। अच्छा आपको लगता था कि हमारे बेटे इतना कर पाएंगे? हां संजय माता रानी की कृपा है आप लोगों पे। अच्छा और उसके बाद शिमला मिर्च मेरे पास है, टमाटर इटालियन टमाटर है। तो कितने जमीन लगभग होंगे आपके यहाँ? ये यहाँ तो 2000 स्क्वायर मीटर। लोकल लोग बिक्री करते हैं क्या? हाँ लोकल भी जो भी आता है उसको भी दे रहे हैं। अच्छा उसके बाद में लखीसराय भी गया है। लखीसराय भी गया? हाँ झारखंड देवघर भी गया है माल, और उसके बाद जो है सब सिकंदरा भी गया है, कुछ यूपी भी ले गया है यहाँ से। आपके बेटे के कभी लगातार ट्वीट होते जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो क्या कहिएगा? बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, क्या खुशी हो रहा ना पूरा? हाँ खुशी हो रहा, और उसके बाद नर्सरी भी तैयार करके सब लोगों को दे रहा है। ऐसा नहीं लगता था कि हमारे बेटे जॉब करे अच्छा करे और ये सब किसानी में फंस गया? नहीं, हम तो उसको बोले कि जॉब में जाओ बेटा, लेकिन बोला कि नहीं हम जॉब नहीं करेंगे पिताजी, हम अपना खेती आधुनिक ढंग से खेती करेंगे, अपने से करेंगे, है ना, हमको नौकरी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा थैंक यू अंकल जी। सर अपने बिहार में ही काम करिए ना, देखिए ना सर लाखों रुपया कमा रहे हैं सब्जी उगा के, और ये टमाटर की खेती है, और हम किसान भाई को देख सकते हैं कि उसको क्या स्थिति में है वो पौधा, तो उस तरह का जिस तरह का वो पौधे का रिक्वायर रहेगा उस तरह का उसको उपचार भी उनको मिला। ये टमाटर अलग है और ये अलग है क्या? नहीं पूरा सब एक ही है, एक अभी है। इसका कसाई हो रहा है। अच्छा इसका कसाई का भी काम चल ही रहा है। अच्छा कितने दिन लगाए हुए हो गए इनको? ये तकरीबन 55 दिन का पौधा है ये। अच्छा 55 से 60 दिन का, जिसमें आपका फूल आना चालू हो गया है। एक मंथ में कितने मतलब तोड़ लेते हैं? एक मंथ में आपका एक दिन छोड़ करके एक दिन में टूटेगा, एक दिन छोड़ के इसका, हाँ पूरी तरीके से जब हार्वेस्ट होगा तो ये आपका 1.5 से 2 क्विंटल का। क्या लगता है टमाटर खेती से लाखों रुपया कमा सकते हैं ना? ये हमारा ऑफ सीजन टमाटर रहेगा तो उस समय रेट इसका टाइट रहेगा, तो उस समय हम इसको मार्केट से। ये टमाटर जो हर साल मतलब सालाना के लिए फलते रहेगा है ना? नहीं एक सीजन का ये रहेगा, एक सीजन में ये फल करके फिर इसको निकाल लेंगे, फिर इसके जगह पे ही फिर दूसरा क्रॉप लगाएंगे, इस पे दूसरा फसल लगाएंगे। अच्छा जैसे कि ये जड़ हुआ है ना, बढ़िया थोड़ा ये जड़ हुआ, ये अगर स्क्वायर कर गया तो इसको कैसे कर देंगे? जैसे कि ये जो जड़ है इसको निकाल लेंगे, जब इसका पूरा तना मेरे काम का नहीं जब होगा, इसको निकाल करके
इसी जगह पे फिर से इसको खुदाई करके इसमें फिर दूसरा पौधे का ट्रांसप्लांट करेंगे। अच्छा अच्छा, तो हमारा पूरा सेटअप वही रहेगा और फिर से इसमें दूसरा पौधा लग जाएगा। फुआरा वुआरा पानी उनी कैसे देते हैं, जैसे कीड़ा मकोड़ा लग गया तो उस कैसे करते हैं? तो पहला नंबर तो इसके अंदर भी तो कोई तरह का कीट इंटर नहीं किया है, क्योंकि पूरा जब मच्छरदानी से लगा हुआ है अच्छा, उसमें कोई तरह का कीड़ा इंटर नहीं कर पाया। अच्छा, कोई एक आध गलती से अगर कर भी जाता है तो फेरोमोन ट्रैप लगाया हुआ है उसमें मादा कीट का गंध है तो वो नर कीट को अपने अंदर खींच लेता है, उसी में वो जा करके मर जाता है। अच्छा, ये जो तिरपाल दिए हुए हैं इनका क्या काम? ये नाम इसका है मल्च। अच्छा, मल्च एक प्लोथिन है। अच्छा, जो ड्रिप और मल्च के साथ खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कोड़ाई हम लोग करते हैं अच्छा, खरपतवार जो जैसे ओपन खेत में करते हैं तो पूरा पानी भर देते हैं बिल्कुल, और क्या करते हैं फिर उसको कोड़ाई करके फिर उसको समेटते हैं मिट्टी को। अच्छा, हल्का करने के लिए कि जड़ उसका फैले तो थोड़ा सा पौधे को पोषक तत्व ज्यादा मिलेगा। देखिए इसमें क्या की है, इसको मिट्टी को इकट्ठा करके इस पे ड्रिप लाइन दे दिए हैं। अच्छा, पटवन के लिए और इस पे मल्च कस दिए हैं। अच्छा, इससे क्या होगा कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगा। अच्छा, जब सनलाइट नहीं लगेगा तो उसमें से कोई भी जो खरपतवार है वो जन्म नहीं ले पाएंगे। अच्छा, जैसे कि ये जो गाछ है ये पेड़ है, अगर ये पेड़ जिंदा रह गया, ये मर गया, ये जिंदा रह गया तो आप क्या करेंगे फिर? मतलब दूसरा फल इसके जगह लगाएंगे कि सब कबाड़ के लगाएंगे? नहीं, जैसे कि टमाटर का जब हार्वेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से अच्छा, इसको एक साइड से निकाल लेंगे, एक साइड से निकाल लेंगे फिर इसमें जो दूसरा जो क्रॉप लगाने का जो प्लानिंग करेंगे वो पहले हमारा नर्सरी तैयार रहेगा, ये जैसे निकलेगा वो नर्सरी इसमें लग जाएगा। धन्यवाद भैया हमसे जुड़ने के लिए।